Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का नया पाठ पढ़ेंगे. इससे पहले हमने री की मात्रा का पाठ पढ़ा और समझा था. So kids, take out your book and open page number 39. पाठ 12, वेव और पदेन का प्रयोग. बच्चों, वेव की मात्रा किसी भी वर्ण के ऊपर लगाई जाती है, पदेन की मात्रा किसी भी वर्ण के नीचे लगाई जाती है. तो बच्चों, पढ़ते हैं रेफ की मात्रा वाले शब्द. रेफ की मात्रा अक्षर र का आधा रूप होता है. जब किसी अक्षर में आधे र की ध्वनि आती है तो वहाँ रेफ की मात्रा का प्रयोग होता है. इसे वर्ण के ऊपर लगाते हैं. जैसे ध, रेफ की मात्रा प ण. बच्चों, ध के साथ आधे र की ध्वनि आ रही है तो हम इसके पास वाले वर्ण प पे रेफ की मात्रा का प्रयोग करेंगे. तो यह क्या बना? धर्पण. इसी प्रकार प, रेफ की मात्रा व त. प, प के साथ आधे र की ध्वनि आ रही है तो इसके पास वाले वर्ण व के ऊपर रेफ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो यह क्या बनेगा? पर्वत. इसी प्रकार अ, रेफ की मात्रा प ण. बच्चों, अ के साथ र की ध्वनि आ रही है तो इसके पास वाले प के ऊपर रेफ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो यह क्या बनेगा? अर्पण. चलो बच्चों, कुछ शब्द बोलकर पढ़ते हैं. ध, ध के ऊपर रेफ की मात्रा म, तो बच्चों यह क्या बना? धर्म. इसी प्रकार कर्म, चर्म, मर्म. गर्म, शर्म, सर्दी, फुर्ती. बच्चों, आइए पैराग्राफ पढ़ते हैं. धर्मराज एक कर्मकार है. बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड धर्मराज. यहाँ धर्मराज एक व्यक्ति का नाम है और कर्मकार जहाँ वो काम करता है. अंडरलाइन दिस वर्ड कर्मकार. बच्चों, धर्मराज कौन है? धर्मराज एक कर्मकार है. वह गर्म लोहा पीटकर फुर्ती से मूर्ति डालता है. बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड गर्म. अंडरलाइन दिस वर्ड फुर्ती. फुर्ती का अर्थ होता है तेजी. से अंडरलाइन दिस वर्ड मूर्ति डालता है. पर्वत पार उसकी कर्मशाला है. बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड पर्वत. पर्वत का अर्थ होता है पहाड़. उसकी कर्मशाला है. अंडरलाइन दिस वर्ड कर्मशाला, जहाँ वह काम करता है. सर्दी हो या गर्मी, वहाँ अनेक कर्मकार गर्दन झुकाए काम करते रहते हैं. बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड सर्दी. अंडरलाइन दिस वर्ड गर्मी. अंडरलाइन दिस वर्ड गर्दन. बच्चों, आइए पढ़ते हैं पदेन की मात्रा वाले शब्द. पदेन की मात्रा वर्ण के नीचे लगाते हैं. वर्ण आधा और र पूरा होता है. इसका उच्चारण वर्ण के पीछे आता है. जैसे प हलंत र. प, प के नीचे अगर हलंत लगाया है तो यह बना आधा वर्ण प. पूरा र तो यह क्या बना? प्र. क, क पे आ की मात्रा का श. बच्चों, यह शब्द क्या बना? प्रकाश. इसी प्रकार प, प के नीचे हलंत तो यह बना आधा वर्ण प. र, ये क्या बना? प्र. र, र पे आ की मात्रा प्राणाम. तो बच्चों यह क्या बना? प्रणाम. तो इसी प्रकार बच्चों हम पदेन की दूसरी मात्रा देखते हैं. ट, ट के नीचे
हलन, तो ये बना आधा ट। र पूरा र, तो यह क्या बना बच्चों, यहाँ क्या किया दूसरी पदेन की दूसरी मात्रा का प्रयोग किया गया है ट्रक, यह क्या बना ट्रक। इसी प्रकार कुछ शब्द बोलकर पढ़ते हैं, ग्रह प्रण व्रत क्रम। प्रथम प्राण प्रकट प्रिय। चलो बच्चों एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। प्रकाश प्रातः काल उठा। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड प्रातः। प्रातः का अर्थ होता है सुबह। प्रातः काल कौन उठा? प्रकाश। वह सैर करने गया। प्रकाश ने एक पर्वत देखा। बच्चों पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। प्रकाश ने क्या देखा? एक पर्वत। उसने पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया। अंडरलाइन दिस वर्ड पर्वत। अंडरलाइन दिस वर्ड प्रयास। प्रयास का अर्थ हुआ कोशिश करना। प्रदीप ने प्रकाश का हौसला बढ़ाया। किसने प्रकाश का हौसला बढ़ाया? प्रदीप ने। प्रकाश पर्वत पर चढ़ने के प्रथम प्रयास में सफल हुआ। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड प्रथम। प्रथम का अर्थ होता है पहला। प्रकाश किस में सफल हुआ? प्रकाश पर्वत पर चढ़ने के प्रथम प्रयास में सफल हुआ। बच्चों आज मैं आपको एक टास्क देने जा रही हूँ, जिसे मैं आपसे लाइव डाउट सेक्शन में डिस्कस करूँगी। रेफ और पदेन की मात्रा वाले तीन तीन शब्द लिखिए। बच्चों आशा करती हूँ आपको रेफ और पदेन की मात्रा समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।